पिछले 4 हफ्तों से अंजलि को हर हफ्ते डॉक्टरी जांच के लिए जाना पड़ रहा है। चिकित्सक हर जांच में एमनियोटिक द्रव के स्तर के साथ ही मूत्र का और रक्ताचाप का भी जांच करते हैं। इस हफ्ते में अंजलि को दिल में जलन, पीठ दर्द और श्रोणि क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि यह बच्चे के श्रोणि में जाने के कारण है और इसे लाइटनिंग कहते हैं। ऐसा होने पर पेशाब के लिए ज्यादा जाना भी पड़ सकता है। श्रोणि क्षेत्र में झुंझुनी भी महसूस हो सकता है। यह सामान्य बात है और श्रोणि नसों पर दबाव के कारण होता है। इस स्थिति में श्रम से दूर रहना चाहिए। डॉक्टर अंजलि को बताते हैं कि वह आराम करे और आरामदायक लगने वाली स्थितियों में नींद लेने की कोशिश करे। अब अंजलि को गर्भावस्थ में 1, 2, 3 या 4 सप्ताह बाकी हो सकता है या कुछ ही दिन भी अभी बाकी हो सकता है। उसे कुछ बेचैनी सा लग रहा है और डॉक्टर उसे हिम्मत से काम लेने और अपना व अपने गर्भ में पल रहे शिशु का ध्यान रखने की सुझाव देते हैं। बच्चे का तंत्रिका तंत्र और संचार प्रणालियां पूरी तरह कार्यात्मक हो चुकी है। बच्चे के फेफड़े भी इस सप्ताह तक 99% विकसित हो चुकी है। अंजलि अपने माँ से कहती है उसे अब थोड़ा प्रसव के बारे में चिंता हो रही है। क्या होगा, नॉर्मल होगा या सी सेक्शन होगा, यह सोचते सोचते वह सो जाती है। आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए